वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल टीजी 2 की आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आप सभी ने काफी अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में पास नहीं हो पाए हैं, वो बहुत परेशान हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 24 और 25 तारीख को एग्जाम दिया था। 25 तारीख को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट जो हैं वो काफी कम स्कोर कर पाए हैं एज कम्पेयर टू 24 तारीख के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो वो परेशान हैं और बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि टीजी 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कितना होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं। और आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज आप सभी के सवाल को हम लोग लेंगे और आप सभी के जो सवाल है उनका हम लोग आंसर देंगे और आप सभी के जो भी डाउट्स हैं या जो भी आप लोगों को पूछना है उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो बहुत से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी वो भी दो पार्ट में हुआ था, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, और उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि इस बार एडवर्टीजमेंट में गिवन है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप लोगों में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और कंप्यूटर में होगा कि नहीं होगा। तो उसका जवाब यही है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जब एडवर्टीजमेंट में गिवन है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कंप्यूटर में भी होगा। और कंप्यूटर में कितना होगा ये हम लोग लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि कंप्यूटर में अराउंड 3.5 मार्क्स के आसपास नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 17 या फिर 17.5 या 18 नंबर आया है, बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 19.5 मार्क्स गेन किए हैं, 90 मार्क्स से वो 20 नंबर हासिल करने से रह गए हैं, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अराउंड 3.5 मार्क्स के आसपास आप लोगों के मार्क्स बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आप उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, और जो हमारा मानना है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन 100% होगा और कंप्यूटर में भी होगा और आप सभी को कंप्यूटर में पास होने में काफी हेल्प हो जाएगी जो कि 1-2 नंबर से आप रह गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जितनी वैकेंसी निकली है अराउंड 2000 वैकेंसी जो है वो पूरी तरह फिल हो सकती है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 1-2 नंबर से कंप्यूटर में रह गए हैं। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है और ऐसा होना चाहिए। अब जो अगला क्वेश्चन मोस्टली जो पूछ रहे हैं वो ये कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निकल के पेपर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स देखकर के ये क्लियरली दिख रहा है कि एक शिफ्ट का पेपर काफी इजी आया था और दूसरे शिफ्ट का पेपर काफी टफ आया था। तो ऐसा कहना कि सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स एक ही शिफ्ट में थे और सारे बेकार स्टूडेंट दूसरे शिफ्ट में थे तो ये बिल्कुल गलत है। ये क्लियरली दिख रहा है कि एक पेपर टफ था और दूसरा पेपर इजी था। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 140, 145, 150 मार्क्स गेन किया है। बहुत प्राउड है कि आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 25 तारीख में 100, 110 मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो 110 के आसपास नहीं पहुंच पाए। बहुत से जो 25 तारीख में जो स्टूडेंट्स हैं वो 80 और 90 और 70 के ही आसपास रह गए हैं। तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों के पेपर में काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है और दोनों के मार्क्स में भी काफी डिफरेंस दिख रहा है। तो आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निकल में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, अराउंड 8 से 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो जिन लोगों के 90 हैं वो 100 मार्क्स हो सकता है। तो आप लोग उम्मीद मत खोइए और आप लोगों का भी सिलेक्शन का चांस उतना ही है जितना कि 24 तारीख को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका है। और जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है वो हम लोगों ने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी देख लीजिए, उसका लिंक आपको ऊपर में कहीं दिख रहा होगा। तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, हम लोगों ने उसमें जो कट ऑफ बताई है उसी के आसपास ही कट ऑफ जा सकती है। इससे ज्यादा कट ऑफ जाना बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर इससे ज्यादा कट ऑफ जाती है तो जो टोटल वैकेंसीज है जो कि अराउंड 2000 है उसको पूरा फिल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर लास्ट टाइम की तरह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि आंसर की आपकी विद इन अ वीक आ जाती है, तो आपकी आंसर की भी 5th डे ऑफ एग्जाम आई थी। तो
आप लोग परेशान ना होइए, आपका जो रिजल्ट है वो भी विद इन अ मंथ आपका आ सकता है, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इस समय जितनी भी वैकेंसीज थी यूपीपीसीएल की वो सब क्लियर हो चुकी हैं, खाली आपकी वैकेंसी बाकी है। तो विद इन अ मंथ आपका 1 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो बाकी प्रोसेस है यानी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है और ज्वाइनिंग, वो भी उसके विद इन अ मंथ ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन के आपका हो सकता है, मतलब 2 से 2.5 महीने में आपका ज्वाइनिंग पूरी कर ली जा सकती है, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 महीने के अंदर आएगा, ये आप लोग याद रखिए। तो आप लोग बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे दे रहा हूँ कि जो आपका आंसर की आई है उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, ऐसी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो नेक्स्ट सवाल जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या अब न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कब आएगी? तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि इलेक्शन से पहले आ सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आए, तो अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इलेक्शन से पहले आएगी या बाद में आएगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि फरवरी में आ रही है वैकेंसी, जेई की वैकेंसी फरवरी में आ रही है और TGT2 की भी आ रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना की जाए तब तक ये खाली एक अफवाह फैलाई जाएगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्शन के बाद आने की काफी ज्यादा चांसेस है, AE JEE और TGT2 तीनों में वैकेंसी आ सकती है। तो उम्मीद करिए कि इलेक्शन के बाद आप सबकी वैकेंसी आ जाए, और तब तक जो आपको टाइम मिला है इसको काफी अच्छे से आप लोग यूज करिए। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं TGT2 के लिए, तो अगर आप अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करिए। हम लोगों की क्लास रात में 7 बजे मशीन की स्टार्ट होती है और 9 बजे आपकी होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल की। तो अगर आपने अभी तक लाइव क्लास नहीं अटेंड करी है तो आप आज ही लाइव क्लास अटेंड करिए, और जल्द ही हम लोग एक ऑफलाइन यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हम लोग खोल रहे हैं लखनऊ में, और उसकी डिटेल्स आपको जल्द ही दे दी जाएगी। ये हम लोग 3 महीने में का हम लोग इसमें क्रैश कोर्स कराएंगे TGT2 कैंडिडेट्स के लिए, और JEE के कैंडिडेट्स के लिए 4 महीने का क्रैश कोर्स होगा। और इसकी फीस और बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। काइंडली कॉल ना करें, क्योंकि काफी लोगों की कॉल आती है जो कि बहुत एम्बेसिंग हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक कॉल आती रहती है और सभी कॉल को पिक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो भी आपको जानकारी हासिल करनी है वो आप लोग व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू आप लोग हासिल कर सकते हैं। मैं आप सभी के जो व्हाट्सएप मैसेजेज आते हैं उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप लोग कॉल पे कॉल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप करके जो जानकारी आपको हासिल करनी है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है ये काफी आपको हेल्पफुल रही होंगी, और जो भी आपके सवाल हैं वो सबको आपके क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो सवाल हैं जो आप सभी लोग बार बार पूछ रहे थे, ये सब सवालों के जवाब आपके फ्रेंड को भी मिल जाए। और जो बहुत से स्टूडेंट जो निराश हो गए हैं कि कंप्यूटर में 1 नंबर रह गया है या 2 नंबर रह गया है, तो उनको भी निराशा उनकी दूर हो सके, और उनको भी ये मालूम हो सके कि वो अभी भी TGT2 के सिलेक्शन की रेस में बाकी है और उनका भी चांस है सिलेक्शन का। तो आप लोग हमारी वीडियो देखते रहिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कर दिए सब्सक्राइब, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।